नमस्कार, मैं अनुपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बुलंदशहर में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक में मारी टक्कर। आमने सामने की भिड़ंत में एक ही परिवार के तीन लोग की दर्दनाक मौत। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे बाइक सवार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कार चालक मौके से फरार। बुलंदशहर के कोतवाली देहात इलाके के धतूरी मिर्जापुर के पास हुआ दर्दनाक हादसा। ऐसे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। मैं आपका आज जो जिला अस्पताल में आयो, किस लिए आयो? जी, हमारे परिवार के तीन सदस्य हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। रात उनका एक्सीडेंट हुआ था 10 बजे करीब, 10:30 मिर्जापुर धर्मकांटा पर। और हमने पुलिस पर भी फोन किया, एम्बुलेंस भी गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ था? जी, एक्सीडेंट हुआ था, एक शिफ्ट अज्ञात है गाड़ी देख नहीं पाए हादसे के कारण। और पुलिस ने हमने फ़ोन किया, 100 नंबर पर फ़ोन काट दिया और एम्बुलेंस भी नहीं आई, इसके कारण तीनों की मृत्यु हो गई। एक ही परिवार के थे तीनों लोग? तीनों एक ही परिवार के थे। कौन कौन थे? एक बच्चा था 16 साल का लड़का जिसका नाम जीतू था, एक लड़की थी पूजा नाम की जिसकी आयु 20 वर्ष थी, और जो मेरे चाचा जी थे उनकी उम्र 47 साल थी। ठीक है, परिवार के तीन लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में, क्या मामला, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें यह वर्णन था कि तीन लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एक अज्ञात वाहन जो स्विफ्ट टाइप का वाहन था उसने टक्कर मार दी जिसमें तीनों लोगों की मृत्यु हो गई है। उनका पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई संपादित की जा रही है।